फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने GS1 मेंस सिलेबस डिटेल एनालिसिस हिंदी मीडियम, ये शायद यूट्यूब पे पहली बार है जहाँ पर हम, अगर मैं बात करूँ तो, एक डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कि क्योंकि अगर आपको UPSC प्रिपरेशन करनी है तो आपको पहले सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ पाते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो होंगे सिविल सर्विस को क्रैक करने के इंक्रीज हो जाएंगे। देखा ये जाता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली बुक लिस्ट के पीछे ज़्यादा भागते हैं रदर देन सिलेबस को नहीं समझते हैं, जिसके कारण भटकाव ज़्यादा होता है, नोट्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, गैदरिंग ज़्यादा होती है बुक्स की, और अपने आप में एक प्रेशर फील करना स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि UPSC बहुत टफ है, ट्राई टू गो विद PCS एग्ज़ाम, PCS में भी यही हाल होता है, फिर वन डे एग्ज़ाम की तरफ भागते हैं, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना होने के कारण उनकी टाइम, उनकी एनर्जी जो है वेस्ट होती है। फिर साथ में घर में भी अलग ताने, अलग अलग प्रकार के ताने, पड़ोस में अलग अलग प्रकार के ताने कि भैया हमने तो बोला ही था, काहे इतनी तैयारी कर रहे हो, किसान कर ले, मजदूरी कर लेते या फिर छोटी मोटी जॉब कर लेते, इतना ऊँचा सपना क्यों सोच लिए, वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ें जो मतलब दिल पे जो ठेस लगती हैं उस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरा इस वीडियो का मकसद, देखिए मैं चाहता तो मैं इसको चिल्ला चिल्ला के भी बोल सकता हूँ जैसे मैक्सिमम यूट्यूबर्स करते हैं, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ ये है कि शांति के साथ बिल्कुल ध्यान के साथ आपको वो बातें मैं बहुत ही प्यार से समझा सकूँ। इस सिलेबस को समझने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंट फील ज़रूर हो जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से क्या क्या नहीं लेके चलना है, और इसी वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊँगा हमारी क्या बुक लिस्ट हो सकती है RoadIES की। बाकी ये सिर्फ एक सजेशन है, मैंडेटरी नहीं है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं, और नहीं भी समझ आता तो उसको डिसलाइक करके जा भी सकते हैं। तो बिल्कुल स्वतंत्र है यहाँ पे कमेंट। अब रहेगी बात कमेंट की, कमेंट मैं उसी दिन ओपन करूँगा जिस दिन सिलेक्शन होने स्टार्ट होंगे। तो ये देखते हैं कब तक मुझे कमेंट हाइड रखने पड़ेंगे, कब तक मुझे लाइक डिसलाइक हाइड करने पड़ेंगे। मैं उसी दिन ओपन करूंगा जिस दिन सिलेक्शंस होने स्टार्ट होंगे, ये मेरी तरफ से मेरा खुद का चैलेंज है। तो अब बुक लिस्ट की बात करते हैं। देखो जैसे कि पहले फटाफट एक लेटेस्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं हल्का फुल्का कि क्या है, किस तरह से है। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिख रहा होगा UPSC सिलेबस इन हिंदी परीक्षा पैटर्न, राइट। देखिए पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा 300 मार्क्स, पेपर बी अंग्रेजी, यानी कि देखा जाए तो अंग्रेजी सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे जो बंदा उर्दू से दे रहा हो, चाहे वो बंगाली से दे रहा हो, चाहे वो हिंदी से दे रहा हो, कहीं से भी दे रहा हो, उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भारतीय भाषाएं जो भी हमारी 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हैं उसमें से कोई भी स्टूडेंट एक पेपर यहाँ पे देना होगा, उसे क्वालिफाई करना होगा। इन दोनों का जो क्वालिफाइड मार्क्स होगा वो होगा 75, यानी कि इन दोनों ही पेपर में आपको 25% ही चाहिए सिर्फ। ईच का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 25% आपको मार्क्स इसमें से चाहिए होते हैं। और ट्रस्ट में अगर आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं और इंग्लिश, मतलब अगर आप इंग्लिश से घबरा रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर खाली नहीं छोड़ के आना। आपने फिर ग्रामर पे थोड़ी ज़्यादा वर्क कर लो क्योंकि ग्रामर में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ग्रामर में वर्क कर लो, ऐसे टूटा फूटा भी लिख के आ जाओगे तो भी पास हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन करें या कहीं इधर देखें उधर देखें, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि कोशिश करें डेली बेसिस पे द हिंदू पढ़ने के लिए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस का कोई भी एक फ्रंट पेज पढ़ें डेली बेसिस पे, ज़्यादा नहीं है। देखो 10 बोलते हैं ना, 10 शब्द, मैं कहता हूँ 10 शब्द भी हटाओ, आप डेली बेसिस पे 5 नए शब्द को रिकॉल करो, उनको समझो, उनको अपनी डेली हैबिट्स में लेके आओ, टूटी फूटी इंग्लिश में काम हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी इसके लिए प्रीवियस पेपर्स आप देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा इन फ्यूचर में। तो ये है। फिर इसके बाद दोस्तों देखो, देखा जाए तो UPSC का जो पैटर्न है, ये जो मार्क्स होते हैं ये क्वालिफाइंग नाउ राउंड होता है, इसके मार्क्स UPSC में जो है मतलब कि ज्वाइन नहीं होते हैं। उसके अलावा एक होता है हमारा पेपर 1 निबंध का जो 250 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। एक सामान्य दंग का पेपर आता है जिसमें 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको 5,000 से 5,500 शब्दों में, ये 250 मार्क्स का होता है। इसी तरह से पेपर 4 तक ये सारी कहानी चलती है। और वैकल्पिक विषयों एक आपको ऑप्शन लेना होता है जिसमें आपको ये आपका देखा जाए तो 500 मार्क्स का आपका ऑप्शन सब्जेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए कुल मिला के तो 1,750 मार्क्स
यानी कि 1750 मार्क्स का आपका मेंस होता है। सच बताऊं, अगर आपने सेफ साइड खेलना है, बोलते ना कि भाड़ में गया इंटरव्यू, मुझे मेंस में स्कोर करना है, अगर 1750 मार्क्स में से अगर तुम 900 मार्क्स तक भी ले आए ना, 900 मार्क्स या फिर 850, 875 या फिर 850 मार्क्स अगर आपने मेंस में उठा लिए ना, लिख लो, कोई आईएएस बनने से नहीं रोक सकता। ये एक पैटर्न है, ध्यान समझना। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आप देखो बोलना आसान है, मानता हूँ करना मुश्किल है, बट इस चीज़ को समझो, अगर मान लो 850 मार्क्स अगर आप ले आए और इंटरव्यू में आपको 100 मार्क्स भी मिल गए तो भी 950 हो जाएंगे, और 950 इनफ है टू गेट द आईएएस सर्विस। तो उस कंडीशन के अंदर आपने ये बिल्कुल एनर्जी लगा के चलनी है, मतलब एक एक नोट्स को इतनी बारीकी से समझना है, एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझना है ताकि आपका मतलब सिलेक्शन ना रुके। देखो दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें मैं भी कर सकता हूँ, इस सेमिनार को, इस आधे घंटे की वीडियो को मैं चाहूँ तो 3 घंटे में भी घुमा सकता हूँ, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम है टू द पॉइंट बातें बोलना, जो बड़े बड़े ऑथर फिलोसफर जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं 3-3 घंटे में बात बोलते, वही मैं आधे घंटे में बोल के चला जाऊँ। तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपका फोकस सबसे ज़्यादा ऑप्शनल पे सबसे पहले करो। अगर मान लो तुम आज से प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले सिलेबस उठाओ ऑप्शनल का, देखो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सोचो एनालाइज करो। और हिंदी लिटरेचर अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो मैं आपको सिर्फ 2 या 3 ही सब्जेक्ट प्रेफर करूंगा। 2 या 3 प्रेफर का मतलब यहाँ पे ये है कि एक मैं आपको हिंदी लिटरेचर करूंगा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसकी वीडियो वायरल भी है टेलीग्राम पे, आपको फ्री में मिल भी जाएगा, मैं लिंक्स को तो नहीं शेयर कर सकता एज ए इलीगल है ये, बट स्मार्ट वर्क के लिए वैसे इशारा काफ़ी कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है आज भी। इसके बाद सेकंड टॉपिक, सेकंड जो आता है वो था हिस्ट्री, अगर आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं। तीसरा संस्कृत अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, और चौथा है फिलॉसफी। इसके अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट आपको रेफर यहाँ पे बिल्कुल, और पांचवा उर्दू भी है, वो तो मुस्लिम्स कैंडिडेट्स ज़्यादा लेंगे, बट ओवरऑल इन 4 सब्जेक्ट्स में भी आप ज़्यादा प्रेफर करना, बट मेरी तरफ से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही रखना कि आप हिंदी लिटरेचर ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी लिटरेचर लें तो सबसे अच्छी बात है, या फिर हिस्ट्री बस। बाकी 2 में चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं जो बंदे PSIR ले रहे हैं, पावर्ड ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, सोशोलॉजी ले रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ, देखो मैं बिल्कुल हकीकत पे बात कर रहा हूँ, उसमें सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है, बहुत रेयर हो रहे हैं। ज्योग्राफी में तो लास्ट 2 या 3 साल से सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पावर्ड में तो 5-6 साल से सिलेक्शन ही नहीं हुआ, PSIR में भी इक्का दुक्का ही कोई हमें दिखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में सिलेक्ट वो रखो, क्योंकि इसमें मार्क्स उठाने बहुत जरूरी है। अगर तुमने यहाँ पे 310 या 320 मार्क्स उठा लिए ना, 850 आने में बहुत इजी हो जाएगा। तो मेन फोकस आपका ये, आपका निबंध, निबंध में भी कम से कम देखो 140 मार्क्स, अगर मैं इसको मिटा दूँ पूरा, देखो ध्यान से 850, देखो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 850 मार्क्स अप्रॉक्स, अगर आपके 850 मार्क्स अगर आपने उठाने हैं तो कोशिश ये करो निबंध में कम से कम 145 मार्क्स लेने, और आ सकते हैं 158-159 तक भी आए हैं, मैं लेके चल रहा हूँ कि इतना अपने निबंध को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 145 इसमें ले आओ, वैकल्पिक विषयों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कम से कम इसमें 320-310 एटलीस्ट 320 जरूर लेके आओ। बोलना आसान है मानता हूँ, करने में हालत खराब हो जाएगी, उंगलियाँ तोड़नी पड़ेंगी, मैं मानता हूँ, पर देखो स्ट्रेटजी को देखो, 145 इसमें ले आओ, 120 इसमें ले आओ, रह गया एथिक्स में भी कम से कम कोशिश करो 120 लाने की, क्योंकि 120 आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इन सब में, अगर 90 भी आते आ गए 90 तो भी आप टोटल करके देख लेना 145 9 × 18 होते 27 और 320 ये आपके हो गए 7 × 4 = 11 11 × 2 = 13 यहाँ पे हो गया 1 ये हो गया 4 और आपका हो गया यहाँ पे 3 तो ये हो गया आपके तो भी आपके 735 मार्क्स देखा जाए, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस कंडीशन में थोड़ा और एफर्ट्स करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क्स कम दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इन चारों का जो सिलेबस होता है, जो अगर हम बात करें तो इन चारों का जो बेसिकली नहीं यहाँ पे आई थिंक हाँ 735 तो इसका मतलब इन चारों का जो GS1 से लेके GS2 अगर मैं बात करूं, GS1 से लेके GS2 के अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल मिला के आप ये मान के चलो 380 से 390 या मैक्सिमम 400 मार्क्स तो GS
के चार पेपर में लिए जा सकते हैं। इसके बाद आपके अनिवार्य पेपर में, अगर निबंध में बात करें, 145 लिए जा सकते हैं, इसमें 320 लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके कितने हो गए, ये हो गए 865 मार्क्स, ये है ठीक है, मेरी कैलकुलेशन गलती यहाँ पे, 865 मार्क्स, मतलब मोटा मोटा आप ऐसे मान के चलें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इतनी एफर्ट्स लगाने हैं जब जाके आपका होगा, ठीक है, कहानी समझ आई आपको, आई होप थोड़ा बहुत आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, अब सिलेबस है, मैं एक एक पॉइंट को बहुत डेप्थ के अंदर लेके चलूंगा ताकि आपको डिटेल में मतलब चीज़ों का एनालिसिस करा सकूं। इसमें लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति में पहला, देखो ये सिलेबस है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वस्तुकला के मध्य पहलू शामिल होंगे। अब इस पॉइंट को समझो, पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये समझो कि भारतीय संस्कृति, एक इस वर्ड को तोड़ो, फिर यहां से देखो प्राचीन काल से आधुनिक काल, इस वर्ड को तोड़ो, ठीक है, फिर इसके बाद इसको तोड़ो, कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। यानी कि हमें एक बात समझ आ गई कि हम अगर हम एशियंट से मॉडर्न तक चलते हैं तो इसमें तीन तरह की चीजें आएंगी, एक आपकी कला, दूसरा साहित्य, और साहित्य से क्वेश्चन आया भी हुआ है, और है वास्तुकला। अब देखो कला को, कला एक जो वर्ड है, अगर हम इसको आगे और डिफरेंशिएट करें तो और सारी चीजें भी हो सकती हैं भाई। कला में क्या, बहुत कुछ, मूर्तिकला, सिक्के, गुफाएं, ये सब कलाई तो थी हमारे, अगर हम देखा जाए तो, ये एक तरह से चीजें अगर देखें तो कला जो वर्ड है बहुत एक एक्सपेंडेड वर्ड है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। कला इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, चित्रकारी हो सकता है, कला ही तो है वो भी, ठीक है, पपेट्री, कठपुतली हो सकता है, आपकी मूर्तिकला, आपके सिक्कों के पहलू, तो ये सब चीजें कला के रूप में आती हैं। साहित्य और वास्तुकला तो चलो चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, लेकिन कला वर्ड को समझना पड़ेगा। तो कला की जब तक गहराई को नहीं समझेंगे जब तक चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। उनके मुख्य पहलू शामिल होंगे, मुख्य पहलू का मतलब जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो आपके मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो बेसिकली इसमें जो है शामिल आपके जो देखने को, यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। समझ आ गया, यानी कि हमें प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक के कला, साहित्य और वस्तुकला के पहलू को समझना बहुत जरूरी है। कला में और भी ज़्यादा रूप हैं, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया, मूर्तिकला, डांस फॉर्म, पेंटिंग, चित्रकारी, ठीक है, इवन कला में जैनिज्म, बुद्धिज्म का भी आर्किटेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वस्तुकला है तो इसलिए उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म भी आ जाता है, यूनेस्को की साइट्स भी इसमें आ जाती हैं अगर हम बात करें तो। कुल मिला के ये हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए तो बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी 11th क्लास की NCERT और प्लस नितिन सिंघानिया, अगर आप ये दो बुक्स को करके जाते हो इनफ है। लोग कहते हैं CCERT भी पढ़ लो, CCERT नथिंग एल्स, इस चीज को याद रखना, जो CCERT में है वो ऑलरेडी नितिन सिंघानिया ने कवर कर रखा है। तो CCERT के पीछे मत भागना, रूमर बहुत फैलते हैं कि CCERT करो, पर ले आपने CCERT के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। समझ आ गया, तीन पहलू समझ आए। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, यानी कि 18वीं शताब्दी, यानी कि आप मान के चले 1757 से प्लासी के, जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ था उसके, वहां से प्लासी के युद्ध से जब चीज स्टार्ट होती है और टिल मध्य से लेकर वर्तमान समय। अब देखो यहां पे वर्ड को पकड़ो, वर्तमान समय वर्तमान समय का यहां पे हुआ आज तक, ये अगर बोलता तो यहां पे लिख देता 1947 तक, नहीं, वर्तमान समय तक महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी घटनाएं हुई, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे आंदोलन हुए, चाहे मतलब कोई भी घटना हुई, उसका उनके व्यक्तित्व कौन कौन सी। अब यहां पे व्यक्तित्व में महिलाओं को इनसे रिलेटेड ज्यादा पूछा जाता है कि भाई महिलाओं का कंट्रीब्यूशन क्या था इस तरह में, या फिर कोई और, भाई मंगल पांडे का कंट्रीब्यूशन क्या था, इसी की जैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई आपका मान लो
जैसे कि जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। विषय, विषय ऐसे जो टॉपिक्स, टॉपिक्स का मतलब यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे समझें कि इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड भी यहाँ पे, मतलब जो भी हमारे मध्यकालीन, मतलब जो आधुनिक भारत में जो चीज़ें आई उससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वहाँ से उठाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हमें इस तरह से तोड़ के चलना है, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ इसके लिए द बेस्ट एग्जाम्पल, आपको पहले तो एक स्पेक्ट्रम तो पढ़नी पड़ेगी, ये तो नो डाउट, साथ में आपको बिपिन चंद्रा भी पढ़नी पड़ेगी। बिपिन चंद्रा कौन सी? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का आपको स्वतंत्रता संघर्ष इस टॉपिक को कवर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। साथ में प्लस यहां पे एक वर्ड आया है व्यक्तित्व, इस व्यक्तित्व को कवर करना है अगर आपने, जैसे गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी, गांधी जी के बारे में पूछा जा सकता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पूछा जा सकता है, और दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको इंटरनेट से उठा लो करीब 15 से 20 बंदों के व्यक्तित्व के बारे में नोट्स बना लो, या फिर एक स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है बहुत पतली सी व्यक्तित्व को लेके, स्पेक्ट्रम की देख लेना इंटरनेट पे, अब वो कर लो, कहानी खत्म। यानी कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम, दूसरा भारत का संग्राम, और तीसरा स्पेक्ट्रम की व्यक्तित्व को अगर आप, क्योंकि यहां से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस चीज को समझना। तो जब भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत होते हैं दोस्तों। तो ये समझ आया, आई होप आपके सारे डाउट्स अभी जो है बात को तो थोड़े बहुत क्लियर आपके यहाँ पे हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आया है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम मतलब जो चरण 1885 से लेके, स्वतंत्रता संग्राम बोल दिया ना, यानी कि 1800, हमें ये बात समझ आ गई, 1885 से लेके 1947 तक का हमें जो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कहानी पूरी दे रखी है। इनके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इनमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान। तो अब कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है, चरण के बारे में पूछा जा सकता है, और भी सारे कोई भी चीज़ होगी यहाँ पे, तो ये सारे सेम चीज़ आपको स्पेक्ट्रम करनी है, आपको बिपिन चंद्रा करनी है, और आपको स्पेक्ट्रम की व्यक्तित्व वाली ये तीन किताब अगर आप करके जाओगे तो उसमें से सारी चीज़ें ये बिल्कुल कवर हो जाएंगी। डाउट्स आई होप आपके थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। देखो सॉरी, इसमें यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के एकीकरण, एकीकरण का मतलब वही भाई, आपका मान लो 1947 से लेके 1947 तक 2001 तक का जो भी एकीकरण हुआ, पुनर्गठन जो भी चीजें चल रही है, जो हमारी लाइक स्टेट्स बनी। लेकिन अब यहां पे करंट अफेयर भी आएगा, आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि जो एकीकरण है अगर देखा जाए तो अगस्त में भी हुआ था, जब हमने कश्मीर को अपने अंदर टेरिटरी के अंदर जब शामिल किया था 100% के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं ये बेसिकली अगर बात करें तो ये करंट अफेयर से हमें जो है जोड़ने को देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में ये भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको 1947 का आधुनिक, मतलब आपने 1947 के बाद की आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं। इस एकीकरण में अब देखो अगर मैं बात करूं एकीकरण की, तो देखो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ों को समझना, एकीकरण किस किस चीज़ के अंदर भाई? एक तो हमारा राज्य के अंदर, हमारे जनजातियों के अंदर एकीकरण, हमारा एसटी के अंदर, एससी के अंदर एकीकरण, ठीक है। देखो एकीकरण वर्ड है ना, के अंदर एकीकरण, यहाँ पर राज्य एकीकरण नहीं बोला। अगर राज्य के एकीकरण बोलता तो हम राज्यों को लेके चलते हैं, लेकिन यहां पे जो वर्ड है वो सिर्फ एकीकरण और पुनर्गठन। तो यहां पर सोशल इश्यूज भी आते हैं, ट्राइब्स को लेके एकीकरण, एसटी को लेके एकीकरण, राज्य को लेके एकीकरण, भारत धरती का पुत्र जिसको, जिसमें बिपिन चंद्रा ने बात करी थी उस चीज को, यानी कि लेके एकीकरण। तो ये सारे टॉपिक्स बेसिकली इसमें कवर किए। अगर आप 1947 वाली किताब पढ़ रहे हो तो उसको पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो एकीकरण को लेके बात करी गई है, जिसमें ट्राइब्स हो, एसटी एसटी हो, वुमेन्स को लेके हो, चिल्ड्रंस को लेके भी, क्योंकि इनका भी तो एकीकरण ही हो रहा है देखा जाए तो।
इनका भी रिफॉर्म ही तो हो रहा है, इनके पुनर्गठन, इतना ही पढ़ना है सिर्फ। बच्चे क्या करते हैं, वो 500 पेज की किताब ले आते हैं और उसको पूरा वन पेज नंबर वन से लेकर एंड तक पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अपने सिलेबस को नहीं समझा। जब तक उस 500 पेज की किताब के अंदर जो बिपिन चंद्रा की किताब है, ठीक है, उसमें आज़ादी के बाद भारत, उसमें बेसिकली आपको सिर्फ 100 से 150 पेज ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी पूरी किताब बेकार है, क्योंकि हमें सिर्फ यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना है। समझ आया कैसे चीज़ें जो है बेसिकली रिफॉर्म हो रही हैं, कैसे चीज़ें बिल्कुल कंसाइज हो रही हैं, ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। चले नेक्स्ट। फिर आता है विश्व के इतिहास। विश्व के इतिहास में अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी के बाद की घटनाएं, यथा औद्योगिक क्रांति, यानी कि औद्योगिक क्रांति एक चैप्टर हो गया, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू हो गया, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, ये तीसरा टॉपिक हो गया, उपनिवेशवाद क्या होता है, एसिलेटेड हो गया, इसके क्या प्रभाव पर उपनिवेश की समाप्ति, ये हो गया, राजनीतिक दर्शन हो गया, जैसे कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद इनके शामिल होंगे, इसके रूप पर समाज का प्रभाव क्या होगा। यानी कि अब आपको यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़नी है वो पूरी नहीं पढ़नी है, कॉमन सेंस की बात है, टॉपिक वाइज चलो, डायरेक्ट देखो उसके बाद की घटनाएं, 18वीं शताब्दी के बाद की घटनाएं एक तो सी पृष्ठभूमि पढ़ लो, फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति को पढ़ो, उसके बाद विश्व युद्ध डायरेक्ट पढ़ो, और विश्व युद्ध को पढ़ने के लिए आपको पहले प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना पड़ेगा, उसके परिपेक्ष्य में पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको विश्व इतिहास का आपको टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आपको, यानी 1945 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो ये बात हो गई। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः सीमांकन जिस तरह से वर्ल्ड में हुआ, पुनः सीमांकन हुआ जर्मनी और उसमें ये सारी चीज़ें हुई, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ में उपनिवेश, उपनिवेशवाद की समाप्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उपनिवेश क्या होता है, कैसे आया, किस तरह से इसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री से ले गई ये, इसका प्रभाव क्या था समाज के ऊपर, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उपनिवेशवाद की समाप्ति, अब देखो उपनिवेश जो वाद है ये इंडिया में भी चला, ये साउथ अमेरिका में भी चला, और ये अफ्रीका में भी चला, ये आपको तीनों एस्पेक्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। इवन उपनिवेशवाद भी आपको तीन एस्पेक्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना। अब जैसे औद्योगिक क्रांति है, अगर आप देखें तो आपको इंग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा इंग्लैंड क्रांति का, ये भी आपको इस एस्पेक्ट में भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बच्चे ही नहीं करते। अगर आप औद्योगिक क्रांति का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, भाई भाई सिंपल सी बात है, भारत को घाटा हुआ, भाई हमारी चीज़ें ले जाते थे बेचते थे, इससे हमारी दरिद्रता जो थी किसानों की और ज़्यादा खराब हो गई, क्यों, कच्चा माल खरीदते थे और लाके ठोकते थे, तो उससे हमारी मार्केट खराब हो गई, हमारे हस्त जो शिल्प कलाकार थे वो भी खराब हो गए। तो ऐसे जब आप चीज़ों को सोचेंगे, पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा सोचो, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें समझ आई। फिर इसी के जैसे अब देखो कैसे कनेक्ट होती हैं चीज़ें, पूंजीवाद, साम्यवाद, और ये साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद, अगर आप इन तीनों को कर रहे हो तो 1991 में इसका क्या इम्पैक्ट था, इकोनॉमी एक्सपर्ट से भी सोचना पड़ेगा। ये पूंजीवाद भारत में आया तो क्या हुआ, इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हुए हमारे, तो ज़्यादा नहीं 5-6 पॉइंट इसके, पूंजीवाद क्या घाटा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या एक आउटकम निकला, समाजवाद इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्यों हमारी इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, हम कैपिटलिस्ट को भी थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें इन्फ्लुएंस में लाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और साथ में इनके रूप और समाज पर का आपके क्या क्या प्रभाव है इस पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का। अगर आप मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो भाई विश्व युद्ध पढ़ा, विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था, वो नहीं, भारत पे स्पेशली क्या प्रभाव था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि रशिया की, रशिया में देखो इंडिया ने भी पंचवर्षीय योजना निकाली, रशिया ने भी पंचवर्षीय योजना निकाली, इन दोनों में क्या फ़र्क है, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इसी जैसे आपको ये भी सोचना पड़ेगा पंचवर्षीय योजना में चाइना की पंचवर्षीय योजना और इंडिया की पंचवर्षीय योजना में कितना फ़र्क है। तो ऐसे जब आप डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को पढ़ेंगे, अपने आप से क्वेश्चंस करके पढ़ेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। समझ आ गया, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई। कि इसमें आपको मैं एक ही किताब बोलूँगा दोस्तों, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लो, पॉलिटी की न्यू वाली 11th या 12th, या फिर 11th भी काट दोगे 12th पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। लोग बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास की पढ़ो, नहीं, रीज़न ये है कि उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डेटा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने आप से लेके। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि
इलेवंथ एंड ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटी की किताब पढ़ लो, ठीक है, साथ में इसके बाद अखिल मूर्ति पढ़ लो। अखिल मूर्ति, अखिल मूर्ति की एक किताब आती है, आप वो पढ़ लेना, सफिशिएंट है। उसमें से भी सिलेक्टेड नहीं पढ़ना है, पहले आप ट्वेल्थ क्लास की ये वाली जरूर पढ़ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दे रखा है तो चीज़ें सर के ऊपर से बाउंस हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप पहले अखिल मूर्ति वाले मतलब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, फिर चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, और इसके शॉर्ट नोट्स बना के रखना। वर्ल्ड हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि मान के चलो 75 पेज, 75 पेज का मतलब ये हुआ, जब आप एक दो साइडेड होती है ना, तो दोनों साइड को मिलाकर 2 पेज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में 75 पेज मैक्सिमम इसके नोट्स होने चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स आपको, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री के बनाओ ना बनाओ, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट जरूर 75 पेज के अंदर जरूर बना के रखना, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट, क्रिप्स आपकी लैंग्वेज के अंदर, कि भाई प्रभाव लिखो, कारण लिखो, लाभ लिखो, हानि लिखो, यही सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उन्हीं का बार बार जो बेसिकली आपने जो है बेसिकली अगर बात करें तो आपको रट्टा भी जो है इस पे मारना पड़ेगा। समझ आ गया? अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकंड दोस्तों जरा देखो। नेक्स्ट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। ये बेसिकली जो टॉपिक है सोसाइटी बोलते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, सोसाइटी। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और इसकी विविधता, अगर मैं टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कोई किताब ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें राम आहूजा की किताब ले लूँ भारतीय समाज की, बकवास किताब है, मत लेना। बकवास इन द सेंस ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ किताब अच्छी नहीं है, किताब अपने एजुकेटेड एकेडमिक के हिसाब से सही है, लेकिन सिविल सर्विस के हिसाब से सही नहीं है। आप समझे, अच्छे राइटर हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो किताब सिविल सर्विस के हिसाब से ऑथेंटिक नहीं है। हो सकता है एकेडमिक के हिसाब से हो, लेकिन उसके हिसाब से सही नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं ये बोलूँगा कि जो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ हैं, इसके लिए या आपके पास दो या तीन ऑप्शंस हैं, या आप विजन आईएएस का नोट्स पढ़ लो, ठीक है, या फिर अरोड़ा आईएएस का नोट्स पढ़ लो। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें अरोड़ा आईएएस का आपको मेंस के सारे नोट्स मिल जाते हैं वन शॉट में, पीडीएफ फॉर्म में। तो इसमें भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं का मतलब यह कि जो जो हमारे भारतीय समाज की मुख्य विशेषता रही है उसके बारे में पढ़ना है, और भारत की विविधता के बारे में पढ़ना। अब विविधता कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आपकी गुजरात से लेके आपकी अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश तक, और अरुणाचल प्रदेश से लेके आपकी त्रिपुरा तक। तो इसमें जो भी विविधताएं हैं भारत की, ये सब आपको इस पॉइंट के अंदर आपको करा। अब इसमें विविधता जो आती है, इसमें विशेषता नहीं, इसमें इश्यूज पढ़ने होते हैं। इश्यूज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भारत की, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई छोटे मोटे कांड हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी लड़की को मार दिया दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली आपको पता है वैसे हमारी सिटी बहुत ज़्यादा बदनाम है, क्राइम कैपिटल्स में हाईएस्ट रेट में है। तो उस कंडीशन में मान लो किसी को मार दिया तो उसको लेके हो गया साथ में। अब देखो भारत की विविधता, आपने देखा होगा अभी नाइजीरियंस दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, उनको लेके मारपीट हो जाते पुलिस वालों में भी, कभी ट्रैफिक पुलिस में, आपने देखो बहुत सारी वायरल्स वीडियोज़ होती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि लेके बेसिकली ह्यूमन राइट को लेके भी क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। और साथ में भारत की विविधता के अंदर अगर हम देखें, भारतीय विशेषता के अंदर और भी सारे टॉपिक्स, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन हो, या फिर संस्कृति हो, बोली हो, ठीक है, बोली भी इसमें आ सकती है, और इसमें ST ST ये सारे प्रोग्राम जो है इसमें बेसिकली इसके अंदर हमें जो है देखने को मिलते हैं। फिर है महिलाओं की भूमिका, महिलाओं संगठन, जनसंख्या संबंध, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय। यानी कि कोई भी आप टॉपिक महिलाओं को लेके पढ़ते हैं तो इसमें आएगा, कोई भी टॉपिक XYZ एनीथिंग, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखो जैसे कि महिला है, महिला का जो है बेसिकली अगर मैं देखो कैसे आपको करेक्टिंग कैसे करनी है GS1 की, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए महिलाएं आ रहा है, या देखो महिला GS1 में भी आ सकता है, राइट्स के लेके बात हो रही है महिला के तो GS 2 में आ सकता है, अगर इकोनॉमी एक्सपर्ट्स में बात हो रही है तो GS 3 में हो रही है, महिलाओं को फिलोसफिकल लेके बात हो रही है तो एथिक्स में बात करी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप मेरी बात को ऐसे समझें कि कुछ टॉपिक इतने वास्ट हैं जिनको कहीं भी, चाहे वो GS 1 GS 2 कहीं भी कनेक्ट करके किया जा सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपने ये समझना है कि जहाँ पे महिलाओं की भूमिका आ रही है इन द पॉइंट ऑफ एनीथिंग, लाइक चाहे वो UN में रिप्रेजेंट कर रही हैं, चाहे वो ब्रिक्स में कर रही, किसी भी चीज़ में महिलाओं की भूमिका हो रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन, मतलब ये एक सेक्शन है हमारा
महिला संगठन SSG, आपने देखा होगा, स्वयं सहायता ग्रुप, महिला कुछ केस स्टडीज करे, कुछ कुछ अलग विलेज में अच्छा काम कर रही हैं, तो बेसिकली इसमें भी यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है। जनसंख्या और संबंध मुद्दे, जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी, अभी देखा होगा अपनी लेटेस्ट एक रिपोर्ट भी आई है, तो उन्होंने बताया था कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इन फ्यूचर के अंदर, तो उसमें तो उसको लेके सारे मुद्दे, इस पर रिपोर्ट्स आपको हमेशा तैयार रखनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स कीवर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे, गरीबी और विकासात्मक विषय, जो भी गरीबी को लेके कोई भी टॉपिक अगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उसके विकासात्मक से लेके, जैसे कि इसमें योजनाएँ सबसे ज़्यादा आप पूछी जाती हैं, इसके अंदर देखा जाए तो योजनाएँ भी पूछी जा सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेके आपको जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर शहरीकरण में क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से क्या आज के समय लाइक शहरीकरण में क्या क्या समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, क्राइम्स की समस्या है, देखो कैसे कैसे आपको एंगल सोचने होंगे, भाई शहरीकरण अगर हो रहा है तो किस किस तरह की समस्या, सीवेज की समस्या है, भाई सडनली फ्लड्स आ रहे हैं, सडनली फ्लड्स, अभी हम देखो दिल्ली के अंदर बारिश हुई थी तो तुरंत बुरा हाल हो गया था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ पे हम हैं, तो शहरीकरण उनकी समस्याएं, बेसिक समस्या पर ज़्यादा फोकस करना है, उनके रक्षा उपाय, रक्षा उपाय, अब देखो जब भी आप रक्षा उपाय लिखोगे तो एक तो आप अपने कंक्लूजन दो, फिर रिपोर्ट्स से निकाल के दो, कुछ कमेटी गठित है उस कमेटी में से दो, कुछ कोई ड्राफ्ट चल रहा है या फिर कोई भाषा का कोई योजना चल रही है तो उसके बारे में लिखो, तो ऐसे जब आप लिखोगे तो आपको एक आंसर जो है मल्टी डायमेंशंस में हमें जो है देखने को मिलेगा। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में सोसाइटी, अगर देखो मैं सच बताऊं, अभी मैं आपको बताऊं आगे कि सोसाइटी में कितने मार्क्स का आता कितना नहीं आता, पहले हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, अब यहाँ पे ये भी सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन इस पे क्या बोल रखा है, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या हमें जो बेसिकली प्रभाव देखने को मिलता है उसके बारे में। अब ये प्रभाव भारतीय समाज पर एट द काइंड ऑफ LPG से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो जी हमारा ग्लोबलाइजेशन से लेके कैसे भी प्रभाव जो हमें जो देखने को मिल सकता है, चाहे इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, और साथ में भारतीय समाज पर, भारतीय समाज, अब भारतीय समाज कोई छोटा समाज नहीं है, किसी सेक्शन के ऊपर भी बात हो सकती है, भारतीय समाज में महिलाएं भी इंक्लूडेड हैं, बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, जो वृद्ध पीपल हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं भारतीय समाज के अंदर, है या नहीं है? तो इस टॉपिक को समझो भारतीय समाज, इसमें वुमेन्स भी इंक्लूडेड है, चिल्ड्रंस भी इंक्लूडेड है, वनरेबल सेक्शन भी, SC भी इंक्लूडेड है, ST भी इंक्लूडेड है, जो इनका ग्लोबलाइजेशन का जो भी प्रभाव होगा इन सभी इनके ऊपर, तो इसके बारे में पढ़ना होगा, आज के समय लेटेस्ट पॉलिसीज के बारे में समझना होगा कि भाई अभी को अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन फ्लिपकार्ट, जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट आप देख रहे होंगे अभी जिस तरह से, इसका भी तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, इसे हमारे देखा होगा छोटे मोटे जो हमारे परचून वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स वो भी खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन के कारण तो हो रहा है, भले इंटरनेट के कारण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी पॉलिसी ऐसी है, तो उस कंडीशन में आपको ऐसे भी इन चीज़ों पर भी आपको सोचना पड़ेगा। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सशक्तिकरण यानी समाज में कुछ ऐसे पहलू जो मान लो कोई केस स्टडी, कोई कुछ ऐसे मतलब जिसमें यूनिटी की बात करी जा रही है, उनको महिलाओं को लेके भी अगर बात करी जा रही है अच्छे से, या बच्चों को लेके बात करी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है सामाजिक, स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, सामाजिक है, सामाजिक में अगेन वुमेन्स, चिल्ड्रंस, ST, मनोरिटीज़, वनरेबल सेक्शंस, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उनका उन सबका सशक्तिकरण, दिव्यांग लोगों का सशक्तिकरण, ठीक है, बधिर लोगों का मतलब सशक्तिकरण, तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी याद रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। फिर इसमें सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद और धन, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता, अब यहाँ पे बारी आ रही है भूगोल की विशेषता, लेकिन किसकी, विश्व के भौतिक भूगोल, यानी कि अब आपको यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी भी अगर बात करें तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर वायुमंडल आ गया, जलमंडल आ गया, स्थलमंडल आ गया, वो आपको तीनों मंडल इसके अंदर, क्योंकि इसमें मुख्य विशेषता पूछी गई हैं, सिर्फ विशेषता, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स नहीं पूछे गए हैं, जिसमें लाल इनो, अल इनो भी आ जाता है, तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे हमें जो है पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के जिम्मेदार कारक। अब देखो यार ये टॉपिक बहुत बड़ा है, देखो मुख्य प्राकृतिक संसाधन, जो भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे देश में, चाहे रबड़ हो, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे वट एवर, चाहे कुछ भी हो, उनके वितरण को लेके जो भी हमारे, जिसके अंदर आपका आयरन हो गया, कोल हो गया, ठीक है, आपका स्टील हो गया, बक्साइट हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, जो भी है, यानी कि मिनरल्स पे बात हो रही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली
मिनरल्स के ऊपर बात हो रही है, प्लस न्यूक्लियर के ऊपर भी बात हो रही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है ना यूरेनियम, आपको पता ही है, यूरेनियम हो गया आपका, और भी सारे जो भी एनर्जी को लेकर कन्वेंशन, या फिर यहाँ पे आप ऐसा समझें कि बेसिकली मिनरल्स को लेकर जो है बात हो रही है, जिसमें आपका यूरेनियम भी इंक्लूडेड है, उससे विभिन्न भागों को प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के उद्योगिक स्थापित करने के जिम्मेदार कारक कौन कौन से हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे केस स्टडीज, जैसे कि अब जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की ट्वेल्थ क्लास, हाँ ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमी वाली, तो उसमें आपको चीज़ें समझ आएंगी, प्राथमिक कारण, द्वितीय कारक, तृतीय कारक क्या इसके जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो वही जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की बुक आप ये कर लो, प्लस साथ में न्यूज़पेपर कर लो, और कुछ नहीं करना। इवन अगर कोई लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी फॉर यू पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ डेटा घिसते रह जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। फिर न्यूज़पेपर से ओरिएंटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से एक साल का पूरा कंपाइल करके रखो, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, सफिशिएंट है। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप इतना एक मतलब न्यूज़पेपर जब आप पूरे साल का कंपाइल करते हैं चीज़ों को, तो इतनी नॉलेज हो जाती है कि कौन से टॉपिक किस तरह से होते हैं। इसके लिए नोट्स आप बना सकते हो, और इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो। ऑनेस्टली बात करूं इस टॉपिक के लिए, अगर आप चाहें तो इंटरनेट का सहारा ले सकते हो कि प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र से रिलेटेड किस किस तरह से हमें चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों नेक्स्ट आता है भूकंप, सुनामी, झड़, हलचल, चक्रवात आदि जैसी ये सारी भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान अति महत्वपूर्ण विशेषताएं, जल स्रोत, हिमारण, वनस्पति, ये सब अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं हमारे ये हमारे करंट अफेयर्स रिलेटेड है, और सारे इसमें भूकंप को आपको कवर करना पड़ेगा, सुनामी को कवर करना पड़ेगा, ज्वालामुखी की हलचलों को भी जो बेसिकली कवर करना पड़ेगा, चक्रवात से रिलेटेड भी आपको चीज़ें जो है यहाँ पर कवर करनी पड़ेंगी। साथ में इनके अगर हम बात करें तो जैसे कि जल स्रोत और हिमारण सहित जो वनस्पति जगत में परिवर्तन हो रहे हैं उसके लेके प्रभावों को भी इस पे जो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का हमारा जो बायो वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये बेसिकली भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, ये बेसिकली अगर देखें तो ये हमारे करंट के मुद्दे हैं, ये हमारे हमारे देश के जो है करंट के मुद्दे हैं। ज्वालामुखी को हटा दें तो बाकी भूकंप, सुनामी और चक्रवात ये कहीं ना कहीं हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हमें जो है मिलते हैं, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा आपको पैनी नज़र जो रखनी पड़ेगी। इसके लिए द मेन सोर्स ऑनेस्टली बात करूँ रैंडम बुक्स, जो जो आपको टॉपिक जहाँ एनसीईआरटी से मिलते हैं वहाँ से कवर कर लो बेसिक्स, और बाकी एडवांस के लिए आप करंट अफेयर कर सकते हो, बस और कुछ खास नहीं है। बच्चे करते हैं इसके लिए अलग बुक लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप बेसिक्स टॉपिक्स को कवर कर लो, भूकंप क्या होता है, किस तरह से होता है, सुनामी क्या होता है, क्या नहीं होती, ज्वालामुखी क्या होती है, क्या नहीं होती, चक्रवात क्या, फिर इसके बाद इसके एडवांस पार्ट के लिए जो भी आपको करंट अफेयर में दिखे आप उसको कवर कर लोगे तो आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा टॉपिक था, इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया, आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। बुक लिस्ट तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी है, अब चीज़ों को समझो। देखो दोस्तों ट्रेंड क्या कहते हैं, ट्रेंड्स क्या कहते हैं, ट्रेंड्स ये कहते हैं अगर मोटा मोटा देखें, एक हमारा हिस्ट्री का सेक्शन होता है, एक हमारा सोसाइटी का सेक्शन होता है, और एक हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन होता है। ये तीन सेक्शंस होते हैं बेसिकली। बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें ज़्यादा घुसे रहते हैं। आप सबसे ज़्यादा इसमें घुसो, क्योंकि इसमें से 70 से 80 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है, 70 से 80 मार्क्स इसमें से बनता है। ज्योग्राफी में से करीब 90-100 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 90-100, या फिर आप इसको नहीं सॉरी इसमें 80 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो आपको इसमें से बन जाते हैं, और करीब 80 मार्क्स के 70 से लेके 80 मार्क्स तक आपको इसमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है ट्रेंड के अंदर कि आपको ये तीनों सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सोसाइटी पर ज़्यादा फोकस करना इजी भी है, चीज़ें जल्दी भी हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज आप ऐसे लेके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली जी एस वन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बुक लिस्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया, सोसाइटी के लिए कोई प्रैक्टिकल बुक मत लेना, किसी भी कोचिंग के नोट्स रख लो या हमारे रख लो या विजन आईएएस के रख लो, किसी के भी रख लो। और साथ में ज्योग्राफी के लिए आप टॉपिक वाइज पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, फिर बाद में उसके लिए करंट अफेयर्स, और उनको उन चीज़ों को कंपाइल करो। कंपाइल का मतलब ये हुआ कि लाइक अगर आपके पास ज्योग्राफी के नोट्स हैं तो 100-150-150 पेज में आपके होने चाहिए, सोसाइटी के अगर नोट्स हैं तो मैक्सिमम आपके ये 100 पेज के अंदर हो जाने चाहिए सोसाइटी के, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे चीज़ें भूलोगे, कम नोट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक सिलेबस है, इसमें फिर आपको हेल्प करती हैं कुछ रिपोर्ट्स, चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो, एआरसी की रिपोर्ट हो, पुच्ची कमीशन की रिपोर्ट्स हो, तो ये आपको हमेशा रिपोर्ट्स के ऊपर
आपको हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, बजट पे ध्यान रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको जाके जब आप कंटेंट एनरिचमेंट करेंगे, योजनाओं को साथ में लेके जोड़ेंगे और साथ में केस स्टडीज को लेके जोड़ेंगे, तो आपका एक एक कंटेंट बहुत ज़्यादा एनरिच होकर निकलेगा और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, GS1 का ही पैटर्न था, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।